हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल IT Solutions में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एरर कोड 18456 के बारे में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम SQL इंस्टॉलेशन और उसके एरर कोड के बारे में बात करेंगे कि ये एरर किन कारणों से आता है। जब हम न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं तो कई बार हमें ये दिक्कत आती है। ये एरर हमें अभी रिसेंटली एक जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो हमें ये एरर आया, तो उसको हमने किस तरह से रिजॉल्व किया वो आपको आज हम दिखाते हैं। तो यही आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। SQL सर्वर 2008 का सेटअप रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स। SQL सर्वर 2008 R2 वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूं दोस्तों मैं। ये न्यू इंस्टॉलेशन क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। प्लीज वेट, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टेटस इन प्रोसेस। दोस्तों एक आपके लिए हम ये सैंपल डाटाबेस ही क्रिएट करूँगा इसमें, तो बाकी आप अपने हिसाब से अपना डाटाबेस बना सकते हैं, उसको नेम दे सकते हैं। ये देखिए इंस्टॉलेशन के ये फीचर हैं, तो इनमें सारे इनेबल हैं, तो सारे कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट, इनका पाथ है कहाँ जाके सेव होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं हम। यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ SQL सर्वर ब्राउजर को मैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट, ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लोज कर लेंगे। अब हम मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इनिशियलाइज हो रहा है। देन कनेक्ट, बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे, अभी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम सिक्योरिटी यूजर्स में जाके देख लेते हैं, लॉगिन्स में यूजर्स, ऐसे से लॉगिन करना है हमने, तो ऐसे पे डबल क्लिक करेंगे और इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। ओके, अभी हम इसे डिसकनेक्ट करते हैं। कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर अगेन। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अभी हमने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे,
लॉगिन एससी से लॉगिन करते हैं, जो पासवर्ड हमने रखा था 1234 कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये कॉमन एरर है जो आता है, लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र एससी 18456। तो इसे हम अभी रिजॉल्व करते हैं। कनेक्ट कीजिए, ऑथेंटिकेशन विंडोज ऑथेंटिकेशन में ही रहेगा। ये डेस्कटॉप ऊपर सबसे टॉप पे देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सर्वर ऑथेंटिकेशन। यहाँ एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे। सम ऑफ ये सर्वर रिस्टार्ट करने को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एससी के लॉगिन पे क्लिक करके इनफोर्स पासवर्ड एक्सपायरेशन पे भी क्लिक कर देते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। स्टेटस में लॉगिन इनेबल आ जाएगा। ऑल ओके, अगेन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है हमने, तो इसके लिए रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट? यस। ये सब सारी सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देगा एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट अगेन, देन एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके यूज़र एससे पासवर्ड जो हमने डाला है, लॉगिन हो गया दोस्तों। देखिए तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।